नमस्कार, मैं हूँ कुसुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं आज सूजी बॉल बनाने जा रही हूँ। उसमें ढेर सारी सब्जियाँ स्टफिंग करके बनाई हूँ, जो खासकर बच्चों के लिए है। तो चलिए हमारे किचन में हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो इसके लिए हमने लिया है सूजी, 200 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, सब्जियां में लिया पत्ता गोभी, लहसुन, नींबू का रस, अदरक, शिमला मिर्च, फूल गोभी, प्याज, गाजर, हरी मिर्च और तेल लिए हैं। उसके बाद इसमें पंचफोरन है, कड़ी पत्ता, हींग, गैस चलाते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई रखे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। जितना सूजी है उससे दोगुना पानी होना चाहिए। इसमें सूजी डाल के अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से ही पक जाए इसको नीचे उतार लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे। उसके बाद इसको नीचे उतार लेंगे। गैस ऑफ कर दिए हैं, इसको नीचे उतार लिए। फिर कढ़ाई गैस पे चढ़ाए हैं, इसमें सारे सब्जियों को भून लेंगे। तो इसके लिए पहले तेल डालें, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, प्याज। अब इन सब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से भूंज लेंगे। अब इसमें फूल गोभी डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से भूंज लेंगे। गाजर अब इसमें डालें, उसके बाद शिमला मिर्च, इसको भूंज लिए। लास्ट में हम पत्ता गोभी डालेंगे क्योंकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। यदि इसमें आप मटर भी डालना चाहते हैं, पनीर भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। भूंज लेंगे आप। अभी भूंजा चुका है, लास्ट में अब हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से सब्जी में पानी छूटने लगता है, तो उसको लास्ट में ही डालना है। नमक डालने के बाद भी थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेना है। एक तरफ हमने सूजी को ठंडा करने के लिए रखा है, उसको भी गूंथ लेते हैं। हाथ में तेल लगा के इसको अच्छी तरह से गूंथ लेते हैं। इसका सॉफ्ट एकदम
बनाना है आटे को। इसको अच्छी तरह से मलमल के कूटना है, नहीं तो ये फट जाएगा। देखिए कितना चिकना गुथाया है। अब इसको क्या करेंगे, एक साइड में धर देंगे। सब्जी भी हो चुका है, अब इसको नीचे उतार के थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है। आपके बच्चे जो सब्जियां पसंद करते हैं वो सब्जी सब डाल सकते हैं। अब करना क्या है, सूजी का लोई बनाना है। सूजी जो गूंथ के रखे हैं उसका लोई बनाना है। बना के इसमें सब्जी को स्टफ करना है। अब इसको हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ से इसका मुंह को मोड़ देना है। जिसमें की फटे नहीं। इस तरह से सारे बॉल को हम बना लेंगे हल्के हल्के हाथों से। इसको दबाना है। उसके बाद फिर हम एक कढ़ाई में पानी लेके गैस पे चढ़ाएंगे, इसको बॉयल आने तक। इसमें दो चार बूंद तेल डाल दिए हैं। अब इसमें करना क्या है, सारे बॉल को इसमें डाल देना है। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें सारे बॉल को डाल देना है। देखिए अब ये हो चुका है। एक मिनट इसको बॉयल करना है, ज्यादा नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन रहेगा तो सारा सीज जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हल्के हाथों से इसको निकालना है कि टूटे नहीं। अब फिर से कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पे, इसमें तड़का लगाने के लिए। उसमें तेल डाले 1.5 चम्मच, लाल मिर्च, इसके बाद हींग, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा पंचफोड़न। इससे स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। एक बार आप बना के जरूर खाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है।
इसमें धीरे धीरे सब डाल देंगे। इसको हल्के हाथों से मिला देना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अब ये हो चुका है, नींबू का रस डाल दिए लास्ट में। अब निकाल लेंगे इसको। धन्यवाद।